बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी बेस आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ और वीडियो चैनल एक्चुअली आज मैंने बहुत सारे वीडियो जो हैं वो शूट किए हैं, तो आज बस वीडियो वीडियो ही मुझे याद आ रही। खैर, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जो है प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी ग्लोई बेस आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, जो कि समर के लिए बहुत 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 अमेजिंग है। ठीक है जी, बहुत 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 ज़्यादा हो गया कुछ खैर। अच्छा जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो प्रोडक्ट आज यूज़ करूंगी, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से ग्लोई बेस बनेगी। जो कि आप अभी गर्मियों में, शादियों में जो आप लोग सैलून से बनवाते हैं तो बहुत कॉस्टली मेकअप कराते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप घर में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी केयर लाइन की स्ट्रॉप स्टिक। ठीक है, केयर लाइन की स्ट्रॉप स्टिक का मैं दिखा देती हूँ। ये बेसिकली इस तरह शाइन में है, लेकिन ये बहुत नेचुरल सा शाइन आपको देगी। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, एक तो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो मैं यूज़ करूँगी हिमालय की बेस। ठीक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है फॉर समर्स। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पे सब मेंशन है, आप बाय करेंगे तो इसमें जो 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 चीज़ें ऐड हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ये फाउंडेशन बेस है जो मैं आज यूज़ करूँगी, और स्वेटिंग वालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी स्ट्रॉप स्टिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये है रॉक रोज वैलेंटिनो का फेस कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये मेड इन आइलैंड है। ठीक है, ये देखिए बड़ा छुपा छुपा के मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मिरर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त ये है वो फेस पैक जो है, फेस पैक कह रही हूँ। आज आप लोगों के मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसके ऊपर नीचे अंदर बहुत सारे मिरर्स हैं, ये देखें, ये इस तरह का फेस पाउडर है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें तो आप कोई भी फेस पाउडर जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज़ कर लें, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी बेस होनी चाहिए इस तरह से। मैं सिर्फ मेथड आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह आप अच्छी बेस जो है बना सकते हैं। कोई भी स्ट्रॉप स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं वो किया। अच्छा जी, फोर्थ वन प्रोडक्ट है रेवोल्यूशन का इल्यूमिनेटर सेटिंग स्प्रे, जो मैं आज यूज़ करूँगी। सेटिंग स्प्रे इल्यूमिनेटर है, थोड़ा सा शाइन वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका ना स्प्रे करके दिखाती हूँ कि कैसा है। अच्छा, बेस यहाँ पर बनाएंगे हाथ पे, ये देखिए अभी थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा शाइन है। ठीक है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो। अच्छा, बिफोर यूज़ इसको शेक कर लीजिएगा, जो कि मैंने नहीं किया, आपने शेक ज़रूर करना है। अच्छा, इसकी फ्रेगनेंस बहुत जो है वो ज़बरदस्त है। ठीक है, और इसमें हल्की सी शाइन भी आती है, और जो कि अभी मैंने स्प्रे किया तो उसमें शाइन आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने इसको शेक नहीं किया था, मैं जब स्प्रे किया था मैं वीडियो में ही सोच रही हूँ हैं ये क्या हो गया। चलिए जी, खैर, इसको जो है मैं अब दोबारा स्प्रे कर रही हूँ, ये देखिए अब जो है वो आ गई इसमें शाइन। अच्छा, इस तरह की शाइन जो है ये देगी, इसमें ग्लोई इफेक्ट देगी, मतलब लगेगा आप नेचुरल जो है ना ग्लो आपके फेस से निकल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ये तो हो गया सेटिंग स्प्रे, इसको ड्राई होने का वेट करेंगे। ठीक है, जब तक ये ड्राई होती है तब तक जो है वो मैं फाउंडेशन की डिटेल्स आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हिमालय का ये फाउंडेशन बेस है। ठीक है, फाउंडेशन है ये SPF 20 के साथ है, मीन्स कि अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं समर्स में, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको इसमें जो है वो सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये SPF 20 के साथ है, तो बहुत अच्छा है, सन बर्न से भी आपको बचाएगा। ठीक है, अब इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं। ये इसका जो क्वांटिटी आपको मिल रही है वो है 32 ml। ठीक है, और इसका टेक्सचर जो है अभी लगाऊंगी तो फिर दिखाती हूँ।
नहीं दिखा सकती। अच्छा जी, ये थोड़ी सी अभी ड्राई होगी इसमें। अच्छा जी, ये क्योंकि मुझे वीडियो में आप लोगों को जल्दी दिखाना है, तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी से इसको जो है ना ड्राई करने की कोशिश की है। अच्छा, आप जो है सबसे पहले आप बेस कैसे बनाएंगे? टोटल चार प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये वाली नहीं, खैर इस तरह से मिलती जुलती भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप बेस बनाते हो तो आपको ना समटाइम होता है आप ये स्टॉपस्टिक जो है वो यूज़ नहीं करें ग्लो इफेक्ट के लिए, या फिर आप सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपकी बेस जो है वो प्रॉपर नहीं बनती है, ठीक है? केकी बेस हो जाती है, बेस फट जाती है आपकी। और गर्मियों में मोस्टली अक्सर मैंने वुमेंस देखी हैं जब वो बेस बनाती हैं तो क्या होता है उनकी कहीं से उतरी होती है और कहीं से लगी होती है, इस तरह की बेस भी हो जाती है। अच्छा, प्राइमर मैं रखना भूल गई। अच्छा, आप सेटिंग स्प्रे को जो है एज अ प्राइमर यूज़ कर लिया मैंने अभी, ठीक है? आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करना है। प्रेप किस तरह करना है? कोई भी स्किन केयर की प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं, आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं, आप सीरम्स यूज़ करते हैं, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपने वो यूज़ करना है सबसे पहले, स्टेप वन। स्टेप टू है कि आपने प्राइमर यूज़ करना है, ठीक है? प्राइमर यूज़ करने के बाद जो है आपने उस स्किन को रेस्ट देना है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर ये इस तरह से बेस आपने स्टार्ट करनी है। मैंने प्राइमर और वो वाला स्टेप जो है स्किप कर दिया, इंशाल्लाह कभी वो भी वीडियो करेंगे। अच्छा जी, ये आगे अब मैं आपको हाफ जो पोर्शन है उसमें दिखाऊंगी कि स्ट्रॉब के साथ और हाफ जो है विदाउट, ठीक है? ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि किस तरह से आपने यूज़ करना है। अच्छा, स्ट्रॉब स्टिक को जो है वो आप फुल फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, और जहाँ जहाँ आपको ग्लोई जो है वो इफ़ेक्ट चाहिए वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मतलब आप चीक्स पे यूज़ कर सकते हो, ब्रो बोन पे यूज़ कर सकते हो, मतलब जहाँ जहाँ आप हाइलाइटर लगाते हैं वहाँ वहाँ, ठीक है जी? अच्छा, मैं स्ट्रॉप स्टिक को जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कुछ हाइलाइटर आते हैं चंकी, जिनका जो है इफ़ेक्ट बहुत चंकी सा होता है, ठीक है? और ये जो स्ट्रॉप स्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट देगी आपको, ठीक है? मतलब नेचुरल इफ़ेक्ट देगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो है वो कोई प्रोडक्ट लगाई हुई है। देखने वाले को ये फील होगा कि आपने जो है वो कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं की हुई है, ऐसा मतलब अगले बंदे को धोखा देने वाली बात है। अगले बंदे को ये लगेगा कि आपने बहुत ही जो है ना वो नेचुरल इफेक्ट है और आपकी स्किन का अपना ही ग्लो है जो अंदर से बाहर फूट फूट के निकल रहा है। अच्छा जी, ये देखिए, ये स्ट्रॉप स्टिक मैंने यूज़ कर ली। अब बिल्कुल जो है, अब जो पार्ट आपने फेस के हाईलाइट करने हैं आप वहाँ वहाँ इसको इसी तरह मेकअप से पहले सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है? मैंने ये लगा ली। अब इसके ऊपर मैं बेस यूज़ करूँगी जो कि मैंने जिसकी डिटेल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छा, इसका मैं टेक्सचर आप लोगों को दिखा दूँ। ये समर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जब भी आप बेस यूज़ करें आप वेदर के हिसाब से उसको यूज़ करें। अगर आप समर में कर रहे हैं तो समर के हिसाब से करें, और अगर विंटर की कर रहे हैं तो विंटर के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको चूज़ करें। ये नहीं करें कि एक ही बेस ले ली, उसको सर्दियाँ गर्मियाँ और मेरी तरह, खैर मैं नहीं ऐसा करती, यूज़ नहीं करना। ये देखें, इसका बहुत ही थिक जो है वो टेक्सचर है, आप लोग देखें, ठीक है? मैं इसको जो है वो जब तक हमारा अच्छा, हुआ क्या है, मैं बड़े ध्यान से सारी चीज़ें रख के वीडियो बनाने के लिए बैठी हुई थी और मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो है भूल गई, मतलब भूल गई। खैर, अभी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर मंगवाया, जब तक आ रहा है तो बेस मुझे लग रहा है मैंने दूसरी साइड पे भी यूज़ करनी थी फुल हैंड पे। अच्छा, आपने बेस बन अगर आपने ये लगा ली है स्ट्रॉप स्टिक, ठीक है, तो ये आपने लगा के उसके बाद क्या करना है, आपने जो है वो स्टॉप स्टिक लगा के उसके बाद आपने फाउंडेशन जो है वो किस तरह अप्लाई करना है। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ आपने क्या करना है, तब तक मैं हाथ से बताती हूँ जब तक आ रहा है ब्यूटी ब्लेंडर। ये देखिए, आपने टैप टैप करना है इसको, ठीक है? टक 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 टक, समझ रहे हैं? इस तरह आपने इसको यूज़ करना है, आपने ये नहीं करना है, ठीक है? ठीक है,
हाँ, आपने इसको फ़ौरन से ऐसे रगड़ना नहीं स्टार्ट करना, ये लगा ना, ये नहीं करना है, ठीक है। आप अपने फेस के, अच्छा ये बेस बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है। ये देखें, अभी मैंने इसको जो है वो लगाया है, और आप देखें इससे बहुत ही ग्लोई इफेक्ट, ग्लोई बेस बनेगी, ठीक है। अच्छा, इस बेस में कलर्स आते हैं, आप अपना कलर के हिसाब से, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो कलर के हिसाब से जो है वो चूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आ गया बड़े वाला ब्यूटी ब्लेंडर इधर। अच्छा, मैं, मेरी आदत है, मैं प्रोडक्ट को हल्का नहीं इस्तेमाल कर सकती, कम नहीं लगा सकती, पता नहीं क्यों। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर देखें ज़रा, इसका साइज़ चेक करें कौन सा है। अंडर आई वाला ब्यूटी ब्लेंडर इस टाइम हमें मिला है, बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो नहीं मिला। अच्छा जी, है आपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी जो है वो इसी तरह इसको टक 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 करना है, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही कर लिया, ठीक है। आपने इतना नहीं करना है, आपने बहुत उसको कम कर। अच्छा जी, अब बेस ऑलमोस्ट जो है, आपने बेस को इस तरह अच्छी तरह जो है वो सेट करना है। अब देखें, बेस जो है ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है, ठीक है। अब आप इस साइड पे देखें, आपको बिल्कुल मैट जो है फाउंडेशन नज़र आएगा, ये बेसिकली मैट फाउंडेशन है, और इस साइड पे प्रॉपर जो है वो ग्लो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस साइड पे ग्लो नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये बेस हमारी अभी प्रॉपर सेट नहीं हुई है, अभी इसके ऊपर हम जो है वो, मैं अभी लगाऊंगी ये वाला पाउडर, ठीक है। रॉक रोज़ का, वैलेंटिनो का ये पाउडर, फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर जो है यूज़ करूँगी, और उससे क्या होगा कि आपकी बेस जो है वो लॉन्ग टाइम स्टे करेगी, ठीक है। पाउडर को भी आपने इसी तरह ही सेट करना है, रगड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेस जो है हमारी ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। ये पाउडर मैंने इसके ऊपर यूज़ कर लिया, अब इसको अपने छोड़ देना है, ठीक है। थोड़ी देर इसको छोड़ना है, तकरीबन 5 मिनट जो है इसको छोड़ दें बेस को, ताकि बेस जो है वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर जो है वो सेट हो जाए। अच्छा, ये सब आपने जब कर लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि सेटिंग स्प्रे उठाना है 5 मिनट के बाद, ठीक है। और आपने जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे दूर रख के फिर आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बेस सेटिंग स्प्रे जब आप कर लें तो इसके ड्राई होने का जो है वो वेट करें, ठीक है, सेटिंग स्प्रे का। लेकिन मैं अभी वीडियो में जो है वो वेट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। इसके आप चाहें तो इसके साथ ब्लेंडर के साथ जो है वो सेट भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, ये मिनी साइज़ का है। ये अंडर आई में और फेस के वो एरियाज़ जहाँ पे आप लोग जो है बड़े वाला ब्लेंडर नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी बेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, समर के लिए बहुत ज़बरदस्त फेस है। अब आप देखें, इस साइड पे मेरे हाथ पे आपको जो है वो बिल्कुल मैट फाउंडेशन नज़र आ रही है, इस साइड पे जो है वो आपको ग्लो नज़र आएगा, और बिल्कुल नेचुरल ग्लो नज़र आएगा। अच्छा, ये बेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत काम कीजिएगा, मेरी तरह ज़्यादा ज़्यादा थोक मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर ली थी, फिर मैंने यहाँ भी लगाई, यहाँ भी, यहाँ भी, मैंने पूरे हाथ पे भी लगाई है, मैंने कहा ज़्यादा लग गया क्या करें, ठीक है। तो ये देखें, इस साइड पे ग्लो आपको नज़र आएगा जो कि नेचुरल आएगा। अच्छा, इसके बाद जो है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो भी आपके फेस के एरियाज़ आपने जो है वो स्क्रब लगाया है, आप हाइलाइटर भी दोबारा लगा सकते हैं, उससे और अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। मेरे पास अभी मैंने हाइलाइटर नहीं रखा हुआ तो मैं इसको यूज़ नहीं करी, लेकिन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त। मोस्टली आप देखते हो टिकटॉक पे जो है वो लड़कियों ने लगाया था, तो बड़ा ग्लो आ रहा होता है उससे फेस पे, तो वैसा आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।